तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं सूजी का हलवा, सूजी यानी रवा का हलवा। तो दोस्तों सूजी का हलवा बहुत ही टेस्टी होता है, आप भी जरूर खाएं और अपने घर वालों को भी जरूर खिलाएं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हमने तो दोस्तों सूजी का हलवा बनाने के लिए आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कढ़ाई को बिल्कुल अच्छे तरीके से धो करके गर्म करने के लिए यहाँ पे रख दिया है और टेम्परेचर हमारा जो है वो बिल्कुल हाई है। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे तरीके से गर्म हो रहा है। जब तक ये गर्म होता है तब तक हम बाकी इंग्रेडिएंट्स निकाल करके एकत्रित कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हमने यहाँ पे काजू और बादाम ले रखा है और इसको अच्छे तरीके से पहले हम रोस्ट कर देंगे। देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको हमें रोस्ट करना है। अभी कढ़ाई हमारा थोड़ा गर्म है तो अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाएगा तो इसको हम रोस्ट करेंगे। अब हमें इसको निकाल करके एक प्लेट में रख लेना है क्योंकि ये अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुका है, ओवर रोस्ट नहीं करेंगे और कढ़ाई को बिल्कुल खाली कर लेंगे। अब इसमें हमें क्या करना है दोस्तों कि हम इसमें घी डाल सकते हैं और रिफाइंड ऑयल जो आपको सुविधा हो वो आप डाल सकते हैं। यहाँ मैं रिफाइंड ऑयल डालूंगी, तो रिफाइंड ऑयल आपको डालना है 3 चम्मच। तो 3 चम्मच हमने रिफाइंड ऑयल यहाँ पे डाल दिया है और इसमें हम ऐड कर देंगे सूजी 2 कप। तो यहाँ पे सूजी हम डाल रहे हैं 2 कप। तो देख सकते हैं सूजी हमने डाल दिया है और अब इसको अच्छे तरीके से हम चलाएंगे। फ्लेम को हमें अब लो कर देना है, हाई था पहले, अब हमें फ्लेम को लो कर देना है और इसको अच्छे तरीके से भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। अब फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको मिक्स करेंगे, चलाएंगे। अब इसको हम भूनेंगे अच्छे से दोस्तों। 2 से 3 मिनट हो गया है, इसका देख सकते हैं थोड़ा कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन हुआ है। इसको हम अच्छे तरीके से और भूनेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जैसे नमक जैसे स्वाद अनुसार आप डालते हैं वैसे ही आप चीनी भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। क्योंकि नमक ज्यादा हो जाता है या चीनी ज्यादा हो जाता है तो कई बार क्या होता है कि लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो चीनी आप अपने पसंद से डाल सकते हैं। और लेकिन यहाँ पे मैं चीनी डालूंगी, यहाँ पे मैं चीनी डालूंगी 1/4 कप। तो चीनी हम डाल लेते हैं। तो जब अभी हम चीनी नहीं डालेंगे, चीनी डालने से पहले इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी हम भून रहे हैं इसको, अच्छे तरीके से भून लेना है जब तक इसके कलर में थोड़ा चेंज ना आए और आपको खुशबू मत आने लगे, तब तक इसको हमें चलाते रहना है और भूनते रहना है। दोस्तों आप चाहें तो इसमें इलायची भी डाल सकती हैं। अगर आपको इलायची का टेस्ट पसंद नहीं है तो इसको मत डालें इलायची, लेकिन अगर आपको इलायची पसंद है तो आप इसमें इलायची डाल सकते हैं। इलायची डालने से इसमें टेस्ट जो होता है वो अच्छा हो जाता है और इंक्रीज हो जाता है। फिर से इसको हम चलाएंगे। अभी हमने चीनी नहीं डाला है, अभी हमें चीनी नहीं डालना है। चीनी मैंने निकाल करके आपको क्वांटिटी बता दिया। अभी हम इसको चलाएंगे, बहुत अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। कहीं से भी रवा कच्चा नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। देख सकते हैं दोस्तों इसका कलर ब्राउन होने लगा है। इसको अब हम मिक्स और अच्छे तरीके से और करेंगे। देख सकते हैं ये लाइट ब्राउन कलर का हो गया है। जब तक लाइट ब्राउन कलर का सूजी ना हो जाए आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको भूनिएगा और याद रखिएगा फ्लेम जो है वो लो टू हाई ही रखिएगा, नहीं तो जो आपका जो रवा है वो कढ़ाई में जलने लगेगा। अब यहाँ पे मैं 1/4 चीनी डाल रही हूँ और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसमें पानी ऐड करेंगे, तो पानी हमें यहाँ पे 1 गिलास यूज करना है क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं सूजी या रवा जो होता है वो पानी बहुत ही जल्दी कंज्यूम करता है। तो 1 गिलास पानी डालना बहुत ही इसमें जरूरी है। फ्लेम को थोड़ा हाई कर देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब इसमें हमें
ऊपर से घी डाल देंगे क्योंकि इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा, टेस्टी हो जाएगा। तो यहाँ हम 1 चम्मच घी डाल रहे हैं सूजी के हलवे में और इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे। देख सकते हैं पानी कितना जल्दी कंज्यूम कर लेता है ये सूजी। पहले आपको थोड़ा लगेगा कि बहुत ही ज्यादा गीला हो गया है, लेकिन वो गीला नहीं होता है, वो सूजी इसी तरीके से प्रिपेयर ही होता है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स जो हमारा था वो बिल्कुल अच्छे तरीके से बारीक कट कर लेंगे और इस हलवे में डालेंगे। तो हम जितना भी हमारा जो ड्राई फ्रूट्स है उसको मैं कट कर लेती हूँ और इसमें डालूंगी। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल अच्छे तरीके से कट कर लिया है, अब हम हलवे में इसको डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। देख सकते हैं हमारा सूजी का हलवा काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है और आप बहुत ही अच्छा इंजॉय कर सकते हैं, इसका स्मेल भी बहुत ही टेस्टी आ रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से हमारा जो सूजी का हलवा है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको परोसेंगे। फ्लेम को अब 1 मिनट के लिए हम लो कर देंगे और फिर 1 मिनट के लिए इस तरीके से छोड़ देंगे और फिर फ्लेम को बंद करके इसको रख देंगे और ये सूजी का हलवा हमारा तैयार है परोसने के लिए। तो अब हम इसको परोसेंगे। देख सकते हैं दोस्तों सूजी का हलवा देखने में काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है और खाने में भी काफी ज्यादा टेस्टी है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।